हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आंचल और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने एक्ने और पिंपल्स कैसे 7 दिन के अंदर अंदर ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मुझे यहाँ पर पूरे पार्ट में इधर और इधर दोनों जगह मुझे बहुत गंदे पिंपल्स हो गए थे एंड उनमें जो पानी होता है, पानी वाले पिंपल्स मुझे हो गए थे। मैंने वो कैसे ठीक किया आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, बहुत सारे मैंने फेस वॉश ट्राई किए, हर एक तरह की मैंने क्रीम ट्राई की, बट कुछ भी वर्क नहीं किया। पिछले 1 साल से मुझे बहुत गंदे वाले पिंपल्स हो रहे थे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एंड अभी कुछ भी नहीं है। मैंने कोई मेकअप भी अप्लाई नहीं किया है, आप देख सकते हैं ये टिश्यू पेपर है और मैंने कोई मेकअप कहीं भी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं लगाया है, ये देखिए, ठीक है। मैंने दो चीज़ें यूज़ की हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ मैंने यूज़ की है वो है नायका का लेमन टी ट्री एसेंशियल ऑयल, नायका से, एंड ये इसका जो प्राइस है वो 350 रुपीज़ है, बट ये आई थिंक मुझे 290 समथिंग में मिला था। मैंने इसको यूज़ किया एलोवेरा जेल के साथ। ये ग्रीन लीफ का एलोवेरा जेल है, मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, ऑनलाइन आई डोंट नो ये नहीं मिलता शायद, मे बी मिल जाए, बट ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था और ये मैंने इतना ख़त्म भी कर लिया। मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए इसको यूज़ करते करते। पहले मैंने सिर्फ सिंपल एलोवेरा जेल लगाना शुरू किया बिना किसी क्रीम को यूज़ किए, देन मैंने इसके साथ इसको मिक्स करके लगाना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में मुझे जब यहाँ पर पिंपल्स थे तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके लगाना शुरू किया। इसकी 2 ड्रॉप्स इसमें मिला के मैं रात को लगा के सो जाती थी, दिन में इसको नहीं लगाते क्योंकि लेमन जो है सनलाइट के कांटेक्ट में आके एलर्जी कर सकता है, रैशेस भी हो सकते हैं। तो आप इसको हमेशा रात में लगाना और मुंह धो के लगाना हमेशा और लगा के सो जाना। आप इसको सर्दियों में, गर्मियों में, दोनों में लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी आपकी स्किन ड्राई लगेगी क्योंकि लेमन जो है स्किन को ड्राई करता है, बट आपके पिंपल्स जब भी भागेंगे जब आप इसको लगाएंगे, जब आपकी स्किन ड्राई आउट हो जाएगी तभी आपके पिंपल्स भागेंगे। मैं आपको बताती हूँ मैं इसको कैसे लगाती थी। आपको इतना अमाउंट लेना है, इतना अमाउंट, और इसकी अभी ये ख़त्म भी हो गया ऑलमोस्ट। देखिए ड्रॉपर में बहुत कमी आता है, आ भी नहीं रहा है, तो देखो थोड़ा बहुत ही आया। इसकी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 2 ड्रॉप आपको डालनी है, अच्छे से मिक्स करना है अपने पाम पे लेके, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये थोड़ा वाइट कलर का इसका टेक्सचर हो जाता है, देन आपको यहाँ पे पूरे फेस पे लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आप इसको लगा के ओवरनाइट छोड़ दीजिए, सुबह अपना मॉर्निंग में फेस वॉश कर लीजिए ठंडे पानी से। आप देखना आपके पिंपल्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और उसके जो निशान है वो निशान भी नहीं रहेंगे। मुझे भी कोई भी निशान नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई किया बट मेरे निशान किसी भी चीज़ से नहीं गए। मैंने ये दोनों चीज़ ट्राई लगानी शुरू की तो मेरे निशान बहुत जल्दी ख़त्म हो गए, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं अब तो। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने है, कोई यहाँ पर एक दो एक्ने आ जाता है, तो आप इसको यूज़ करें, डायरेक्ट उस एक्ने पे इसको लगा दें, जैसे स्पॉट ट्रीटमेंट होता है ना वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी 1 ड्रॉप यहाँ पे, जैसे कोई पिंपल हो रहा है उसको रात को लगाना है, रात को यहाँ पे लगाना और छोड़ देना। आपको थोड़ी देर थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होगा क्योंकि ये पिंपल पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। तो आप देखना 2 दिन में आपका पिंपल भी गायब हो जाएगा और उसका कोई निशान भी नहीं रहेगा। या दैट्स इट, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना वीडियो को, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय, बी सेफ।